ओ भाई साहब ओ भाई साहब क्या ही ट्रेलर आया है शैतान का आई मीन आई नो कि ये प्योरली कॉपी पेस्ट है गुजराती मूवी वश का एक्चुअली ऑफिशियल रीमेक है तो इस पर क्या ही ज्यादा बात करे क्यूँकी दृश्यम जैसी मूवी अगर कॉपी पेस्ट होकर चल सकती है तो ये क्यों नहीं बट मैंने वो ओरिजिनल वश मूवी नहीं देखी है एंड आई नो के आप में से बहुत से लोगों ने भी नहीं देखी होगी पोल डाला था जिसमें नहीं देखी पर ज्यादा वोट्स है सो so बहुत से लोगों के लिए ये मूवी एक फ्रेश टॉपिक भी होगा तो आइए शैतान का ट्रेलर आ चुका है जिस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेल हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी आर माधवन अजय देवगन की अपकमिंग सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी शैतान का ट्रेलर देखा मैंने एंड परफॉर्मेंस देखो सबका भाई साहब मस्त एकदम इवन जिस एक्ट्रेस ने ओरिजिनल मूवी में भी काम किया है वो सेम एक्ट्रेस है तो उसके परफॉर्मेंस में भी किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही उल्टा उस एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस और भी अच्छा दिख रहा है दो मिनट छब्बीस सेकंड का ट्रेलर है जहाँ एक घर में आया है अनोन मेहमान जो इविल इरादे से आया है एंड वशीकरण जानता है सो वो उस घर की बेटी पर चलाता है अपने वशीकरण का जादू और जो होगा वो इस फिल्म में अपने को देखने को मिलेगा फिल्म का म्यूजिक काफी ज्यादा हॉन्टेड है जो थीम के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एंड बेसिकली ये एक सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म होगी तो बेसिक सी बात है एंड कॉमन सेंस भी कि इस मूवी को फिक्शनल स्टोरी के हिसाब से ही देखना है स्टोरी की बात करें तो जैसे दृश्य में अजय देवगन अपने फैमिली को बचा रहे हैं यहाँ भी वो अपने फैमिली को स्पेसिफिकली अपने बेटी को प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ एक अच्छी खासी गुड वर्सेस एविल वाली थ्रिलिंग बैटल भी हमें देखने को मिलेगी आई I मीन mean, वो एविल बंदा जो कुछ भी बोल रहा है उसको वो लड़की आसानी से फॉलो कर रही है डांस करने को बोला डांस करेगी चाय पत्ती खाने को बोला तो डायरेक्ट चाय पत्ती का डब्बा मुंह में डाल दिया और हद तो तब हो रही है जब एक बेटी को बोला गया पापा को झापड़ मारो और उसने मार भी दिया भाई एक बाप के लिए इससे बुरा क्या होगा एंड इवन दैट सिलेंडर वाला सीन भाई अपने ही भाई को टेरेस से नीचे फेंकने वाला सीन एंड वन मोर थिंग आई नोटिस के जब अजय देवगन बाइक से अंधेरी रात में कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनके हाथ में चाकू घुसड़ा हुआ है आई होप कि ट्रेलर में हर वो चीज ना दिखाई हो जिससे सस्पेंस ही टूट जाए इससे भी ज्यादा मैं मूवी में देखना चाहता हूं कि मेकर्स किस हद तक जा सकते हैं पूरी मूवी 90% सिर्फ एक घर में शूट हुई है एंड कुछ एक पोर्शन में आप देखोगे कि जंगल एंड एक प्लेस है जहाँ एविल शक्तियों को जागरूक वागृत करने का काम चल रहा है बहुत सारे लोग है काइंड ऑफ हॉन्टेड प्लेस तो कास्टिंग सबसे पहले तो बढ़िया है बट लोकेशन ज्यादा ना होने के कारण इसका बजट भी ज्यादा नहीं है बस सौ करोड़ के आसपास ओनली हंड्रेड करोड़ क्योंकि कास्ट नहीं आधा पैसा लिया होगा लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ऐसे फिल्म्स मास ऑडियंस को पसंद आती है एंड इसके लिए लोग थिएटर तक चले ही जाएंगे तो आराम से ये मूवी अपने बजट से ज्यादा कमा ही लेंगे ट्रेलर अच्छा है एंड कास्ट पे पूरा भरोसा है मूवी आने वाली है 8 मार्च को थिएटर्स में बाकी आप बताओ आपने ट्रेलर देखा है तो आप कितने एक्साइटेड हो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय